हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर और मैं आज आपके सामने कुछ नए ट्रिक के साथ आया हूँ। आज हम लोग देखेंगे दर्रा, जिसे इंग्लिश में पास बोलते हैं, उसके कुछ ट्रिक्स। अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि किस कौन सा दर्रा किस स्टेट में पड़ता है, तो आज मैं कुछ आपके सामने कुछ ट्रिक्स के साथ आया हूँ जिससे आप आसानी से इसे याद रखेंगे और कभी नहीं भूल पाएंगे अगर आप ये ट्रिक याद रखें तो। तो चलिए आइए देखते हैं। ये मेरा पार्ट वन है, आप ध्यान रखें। इसके पार्ट टू में मैं बाकी जो स्टेट बच गए हैं उनके वीडियो लेके आऊँगा। तो चलिए आइए देखते हैं, छोटा सा वीडियो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ ट्रिक के साथ। तो देखिए, मैंने जैसे कि हाईलाइटेड किया है, चलिए देखिए मैं पहला लेके आ रहा हूँ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में जो दर्रा हैं, चलिए दर्रा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि दर्रे होते क्या हैं। दर्रे एक्चुअली दो पहाड़ों के बीच, यदि मैं कहूँ कि दो पहाड़ों के बीच अगर हमें यहाँ से इस यहाँ तक जाना है, तो दो पहाड़ों के बीच से होकर कोई रास्ता अगर गुजरे जो दूसरे दो स्टेटों को जोड़े या दो कंट्रीज़ को जोड़े, तो वो दर्रा या पास कहलाता है दोस्तों। ठीक है, हमें अक्सर ये कन्फ्यूजन होता है कि दर्रा होता है क्या है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है हमें। चलिए आइए पहला देखते हैं, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर जो में जो दर्रा है उसे हम याद करेंगे, मैंने एक ट्रिक बनाया है, जोकर पीर बाबू। आप याद कर सकते हैं जोकर, जोकर को जोकर से याद कर सकते हैं, जोकर पीर बाबू। तो अक्सर ये भी वो देखा गया है कि जोकर पीर बाबू तो हमें याद रह जाता है, बट हम ये भूल जाते हैं कि कौन से स्टेट पे आता है। चलिए तो आपको उसको इसके लिए एक नया नया ट्रिक लेके आया हूँ। हम इसको ऐसे याद करेंगे, जम्मू का जोकर पीर बाबू, जम्मू का जोकर पीर बाबू, जम्मू का जोकर पीर बाबू। दो तीन बार आप बोलेंगे दोस्तों तो याद हो जाएगा आपको। और चलिए देखते हैं क्या है, जो से क्या है, जो जिला दर्रा, कर से काराकोरम दर्रा, पीर से पीर पाजा दर्रा, बा से बारामूला दर्रा और बू से बुरजिल दर्रा। देखिए दोस्तों, आपको इस तरह से सारे जम्मू एंड कश्मीर के सारे दर्रे याद हो गए। चलिए तो आपको हमेशा याद रखना है, जम्मू का जोकर पीर बाबू, जम्मू का कोई जोकर था उसका नाम पीर बाबू था। ठीक है, पहला ऐसे याद हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के लिए मैंने एक बनाया है, राह में बड़ी शिपकिल्ली। मतलब हम देखिए, मैंने यहाँ हिम का हिमाचल का हिम लिया है, तो इसको कैसे करेंगे, हिम के राह में बड़ी शिपकिल्ली। मतलब राह से हो जाएगा रोहतांग दर्रा, बड़ी से बारामूला दर्रा और छिपकली से सीप किला दर्रा। छिपकली से छिपकली मिलता हुआ है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिया है दोस्तों, तो आपको याद करने में आसानी होगी। चलिए तीसरा देखते हैं, सिक्किम। सिक्किम को मैंने संजू याद करने के लिए एक ट्रिक बनाया है, संजू। संजू कैसे, स स्टैंड करता है सिक्किम को, आप अक्सर नहीं भूलेंगे संजू, अगर आपको याद होगा तो आप हमेशा याद रखेंगे संजू। न से नाथुला दर्रा और जैसे जिले पिला दर्रा। चलिए दोस्तों, छोटा सा वीडियो आपको यकीन है आपको पसंद आएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें या लाइक करें। थैंक यू।